हेलो फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ रीड आउट करेंगे कुछ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 44 है, इनमें से दो से तीन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वही क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था JL Baird ने, यानी जॉन लॉगी बेयर्ड ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था टेलर एव यंग ने। ठीक है, रडार का आविष्कार किया था टेलर एव यंग ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो सबको पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। दूध खट्टा क्यों होता है? दूध खट्टा उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली साई कौन सी होती है? तो मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली साई होती है सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्याज एवं लहसुन में गंध क्यों होता है? तो प्याज एवं लहसुन में गंध होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। ठीक है, प्याज एवं लहसुन में पोटेशियम के कारण उसमें एक अजीब सा गंध होता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के आविष्कारक थे ब्रैड शॉ। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो रिवॉल्वर के आविष्कारक थे सैमुअल कोल्ट। समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापते हैं? तो समुद्र की गहराई नापते हैं अल्टीमीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वॉटसन एव क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व था यूरिया। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राम बेल थे। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? जीव विज्ञान के जन्मदाता थे अरस्तु। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी यूरी गागरिन थे। सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, जो होती है जांघ में, और सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज, जो होती है कान में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेसिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। हैजा एवं टीके के जीवाणुओं की खोज किन्होंने की थी? हैजा एवं टीके के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है लोह तत्व, यानी आयरन पाया जाता है। एक्स रे किरणें क्या होती है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति होता है। विषुववृत्त रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? विषुववृत्त रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण है? सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो हमें आकाश काला दिखाई देगा। यूरिया को शरीर से अलग कौन करता है? तो यूरिया को शरीर से अलग गुर्दा यानी किडनी करता है। मानव त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मानव त्वचा का रंग उसमें उपस्थित
मेनालिन के कारण बनता है। कच्चे फलों को पकाने में क्या काम आता है? तो कच्चे फलों को पकाने में इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपके कुछ भी सुझाव होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।